विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये पूर्णानन्ददयादृशारसदया सस्मत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनोमोदाय निखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पददया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित्कणां यच्छतु ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गानि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामुत अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नमो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री प्रेमपुरी जी महाराज की नमः पार्वती पदये हर हर महाने हर हर महाने हर हर महाने नमो महदभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। भगवान कपिल बिंदु सरोवर के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं और उनके सन्मुख उनको जन्म देने वाली जननी माँ देवहूति समुपस्थित हैं। भगवान कपिल माँ देवहूति के ही उत्थान के लिए, उनके ऊर्ध्वगमन के लिए ही यहाँ व्यवस्थित थे, प्रतीक्षारत थे। माँ को सन्मुख शिष्य के रूप में प्राप्त करके, शिष्य शब्द का अर्थ है जिसमें सीखने की योग्यता हो, और सीखने की योग्यता उसी में है जो श्रद्धावान हो, गुरु चरणों में समर्पित हो। आज ये विशेषताएं देख करके भगवान कपिल गदगद हैं और प्रथम तो अपनी प्राप्ति का साधन उन्होंने भक्ति बताया और बाद में जो स्वयं सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं उस सांख्य दर्शन का विस्तार से वर्णन किया। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के विवेक की चर्चा है, तो विवेक तो हम तब कर पाएंगे जब हमको पहचान हो। जैसे चावल में कंकड़ मिले हों और यदि हमको कंकड़ों की पहचान न हो तो हम कंकड़ों को अलग कर कैसे पाएंगे। पहले तो निश्चित रूप से हमें कंकड़ पहचानने पड़ेंगे। ऐसे प्रकृति और पुरुष दोनों मिले हुए हैं, तो जब तक प्रकृति की पहचान नहीं होगी तब तक हम पुरुष से प्रकृति को जुदा नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कपिल ने बड़े विस्तार से प्रकृति का वर्णन किया, इसका नाम प्रकृति, इसका नाम प्रकृति, इसका नाम प्रकृति, और कह करके बता करके भगवान कपिल कहते हैं, प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यते प्रकृतिः गुणैः।
भले ही प्रकृति में पुरुष स्थित है, किंतु प्रकृति का कोई भी गुण पुरुष में नहीं आता है। उदाहरण दिया जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे, जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, किंतु वह सूर्य के प्रतिबिंब पड़ने के बावजूद भी जल का कोई भी दोष गुण सूर्य में लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही प्रकृति सत्तावान है ही पुरुष से, किंतु प्रकृति का कोई भी गुण उसमें लिप्त नहीं होता है, उसमें जाता नहीं है। और इससे अलग होने का साधन क्या है? अलग होना तो वैसे तो सचमुच में अलग करना हो तो कुछ ही पुरुषार्थ की जरूरत है। केवल अज्ञान के कारण ही अपने को कोई बंधन युक्त मान रहा हो तो कहना यही पड़ेगा कि ये बंधन तुम्हारे में नहीं है। अथवा झूठ मूठ का बंधन जैसे मानता था, वैसे ही झूठ मूठ के बंधन को खोलने का भी प्रयास करना पड़ेगा। बहुत प्राचीन दृष्टांत है, महात्मा लोग ये दृष्टांत सुनाते हैं। किसी नदी के तट पर एक रजक धोबी बड़ा खिन्न मानस बैठा था। एक संत ने पूछ दिया कि तुम दुखी क्यों हो? उस रजक ने अपनी समस्या बताई, इस धोबी ने समस्या बताई। उसकी समस्या ये थी, प्रत्येक दिन वह अपने गधे पर कपड़े लादकर अपने निज स्थान से नदी तक लाता था, साथ में एक रस्सी भी लाता था जिससे गधे को बांध देता था, और कपड़े धोता था, सुखाता था, बाद में कपड़े बांधकर उस गधे में लाद करके आ जाता था। आज प्रमाद के कारण रस्सी लाना भूल गया। अब विचार करने लगा कि हमारा घर दूर है नदी से, यदि रस्सी लेने जाऊंगा तो ये गधा भाग जाएगा, गधा को लेकर जाऊंगा तो आने जाने में समय लगेगा, क्या करूं? उसी ऊहापोह में व्यस्त था तब तक संत ने कहा, रे ये तो गधा ठहरा, इसको झूठ मूठ के बांधो। जैसे नित्य प्रति वह बांधता था गधे को, वैसे ही उस दिन भी ले गया गधे को और झूठ मूठ के हाथ उसमें फिराया जैसे बांधता था रोज, और आकर देखता रहा, गधा चरता रहा, कहीं गया नहीं। उसने बड़े पुरुषार्थ से कपड़े धोए, सुखाए, बांधे, और बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब एक रस्सी लाने का टंटा मिट गया। रोज ध्यान रखना पड़ता था, अब रोज ऐसे ही झूठ मूठ के इसको बांध दिया करेंगे और ये यूं ही अपनी परिधि में चरता रहेगा। किंतु जब कपड़े लाद करके उसको चलने का इशारा किया तो गधा चले ही नहीं। उसने बड़े डंडे बजाए, गधा बैठ गया, लेट गया, किंतु चला नहीं। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि लगता है हमारे गधे को चौपट कर दिया उस संत ने, ये संत के मंत्र से लगता है बंधा था, अब तो जाएगा ही नहीं, बहुत समय हो गया, प्रयास कर करके हार गया। तब तक वो संत आते हुए नजर आए, उन्होंने कहा अब क्या हुआ? अरे बोले महाराज, आपने गधा ही चौपट कर दिया। स्वामी जी संत मुस्करा करके बोले कि तूने इसको खोला है कि नहीं खोला? बोले बांधा होता तो खोलता। बोले जैसे झूठ मूठ के बांधा था वैसे इसको झूठ मूठ के खोल तो सही। गधा है, उसको इतना तो पता है कि मैं बंधा हुआ हूं, तो कम से कम उसको इतना भी तो पता होना चाहिए कि मैं मुक्त हो गया हूं अब।
तो जैसे बंधने की क्रिया नजर आती है वैसे मुक्त होने की भी क्रिया नजर आती है। कई बार मैं गृहस्थों का विनोद करता हूँ, महाराज जी हंसी की बात है, आप लोग और हम और ये संतोषानंद उधर नहीं गए, हमारे सुनील भी नहीं गए, तो जब ब्याह होता है तो लड़की और लड़के में उसकी शायद साड़ी के साथ उसके दुपट्टे के साथ गांठ लगाई जाती है, वो ऐसी गांठ लगती है कि जीवन भर बेचारा छूट ही नहीं पाता ये गधा, अब उसी गांठ के चारों तरफ घूमता है, वो गांठ भले दिखती नहीं है, वो तो वहीं उसी समय उतार के रख दिया जाता है, किंतु जीवन भर के लिए बंध गया, जन्म जन्म के लिए बंध गया। अब जरा विचार करो, तो अब जब बंधन है नहीं किंतु बंधन समझ में आ रहा है तो बंधन खोलने का प्रयास भी करना चाहिए। तो बंधन खोलने के प्रयास में कल मैंने गिनाया था 16 प्रयास बताए हैं यहां पर, और बाद में ये कहते हैं सानुबंधे च देयेस्मिन् कुर्वन् सदा गृहम्। कई बार यम नियम आदि साधन करके बुद्धिमान पुरुष असदमार्ग का परित्याग करके सन्मार्ग में चल तो पड़ता है, माला भी घुमाता है, ध्यान भी लगाता है, किंतु सानुबंधे च देयेस्मिन् अस्मिन् देहे, इस देह में बहुत राग कर बैठता है। हमने महाराज देखा है कई लोगों का देह में इतना राग होता है कि सुबह एक घंटे शाम को एक घंटे घूमना जरूरी है, और उसके बाद फिर आसन फिर प्राणायाम, 24 घंटे में 4-5 घंटे तो शरीर ही को दे दिया, अब यात्रा कितनी करोगे, 4-5 घंटे इस इनमें चीजों में दे दिया स्वस्थ रखने के चक्कर में, और 7-8 घंटे नींद दे दिया, और 8-10 घंटे परिवार वालों को दे दिया जिनके साथ बंधे हैं, चेला चेली को दे दिया, अब अपने के लिए कुछ बचा क्या, ठन ठन पाल, शरीर के लिए समय है और शरीर की सुख सुविधा इकट्ठा करने के लिए समय है, ये नौकरी आदि भी किसी के लिए, शरीर के लिए, शरीर के साथ जो संबंध रखते हैं उनके लिए। तो ये कह रहे हैं कपिल भगवान कि ये सदग्रह नहीं दुराग्रह है, इस दुराग्रह में व्यक्ति फट जाता है, फंस करके ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन प्रकृते पुरुषस्य च। करना क्या है इसको, एक तो संबंधियों से ज्यादा मतलब मत रखे। संबंध माने क्या है, जो हमको बांध दे, संबंध नाम ही उसमें सम्यक प्रकार का बंध ही तो है, हमारे मन को बांध दे, हमारी बुद्धि को बांध दे, हमारी क्रियाओं को बांध दे, हम देखते हैं वो उतने ही परिसीमित में काम कर पाते हैं, अपने बच्चों के लिए अपने पत्नी के लिए वो एक जितना संबंध है उनका, संबंध के बाहर वो सोच भी नहीं पाते हैं, ऐसे बंध गए। अच्छा कई बार संबंध में ना भी बंधा हुआ हो व्यक्ति तो फिर अपने देह में ही बंध जाता है, तो भगवान कपिल कहते हैं इन दोनों से ऊपर उठना है और एक ऐसी दृष्टि प्राप्त करना है, ज्ञान दृष्टि, ज्ञानेन माने ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञान के द्वारा दृष्टि प्राप्त होती है दृष्ट तत्वे न, उस ज्ञान के द्वारा प्राप्त दृष्टि के द्वारा उस तत्व का दर्शन करो। जब उस तत्व का दर्शन होगा, यहां जो तत्वेन शब्द है ना भागवत में, बदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उसी का नाम तत्व है, क्योंकि तत्ववेत्ता लोग ब्रह्म का नाम ही तत्व रखते हैं,
उस ज्ञान दृष्टि के द्वारा इन असद बंधनों को काट करके ज्ञान की दृष्टि के द्वारा उस तत्व का दर्शन करें तो निश्चित रूप से प्रकृते पुरुषस्य च, ये प्रकृति से पुरुष पार हो जाएगा। और महाराज जब प्रकृति से पुरुष पार हो जाएगा, इन्होंने कितनी बढ़िया दृष्टि दी है, कहते हैं निवृत्त बुद्ध वस्थीनो दूरी भूतान्य दर्शन उपलब्धस्त आत्मनात्मानम चक्षुषे अर्कमात्म दृक्। आत्मा से आत्मा का दर्शन, अर्थात अपने दर्शन में व्यक्ति लुक जाए तो कब लगेगा, जब उसकी महाराज चित्त वृत्ति पवित्र हो जाएगी। और दूरी भूतान्य दर्शन, और इन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही, यहां उदाहरण देखने लायक है, इसको समझने लायक है। प्रतिबिंब सूर्य का दीवाल में भी पड़ता है और प्रतिबिंब सूर्य का दर्पण में भी पड़ता है, प्रतिबिंब सूर्य का जल में भी पड़ता है। अब वैसे तो दर्पण जो बना होता है वह दर्पण बना होता है पृथ्वी से ही, दर्पण आईना पृथ्वी का अंश है और दीवाल भी पृथ्वी का अंश है, किंतु दीवाल में पड़े हुए प्रतिबिंब में आपको बताएं सूर्य का प्रकाश पता चलता है कि रिफ्लेक्शन होता है, उसका प्रकाश नहीं आता है, किंतु यदि दर्पण में पड़े तो तुरंत उसकी किरणें निकलती हैं, उसका प्रतिबिंब वहां भासित होता है। वैसे ही जल में भी, यदि महाराज जल में पता चलेगा कि जल में सूर्य और चंद्र का प्रतिबिंब पड़ेगा तो स्वभाव महाराज यथा जलस्य आभासः स्थले सा स्थले ना वा दृश्यते, स्थल में नहीं दिखता, दीवाल में नहीं दिखता है, और स्वभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिविस्थितः। प्रतिबिंब से यह पता चलता है कि जो जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है वही आकाश में दिविस्थितः, वह दिव्य में आकाश में स्थित है। तो जो हमारे अंतःकरण, ये साधन इसलिए बताए गए, देखो ध्यान रखना, भगवान के दर्शन करने के लिए प्रयास की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दूर हो वहां चलकर जाना पड़ता है, जो अपना आपा हो उसको कैसे जाना जाएगा, उसको जानने का तरीका क्या है। भगवान कपिल ये सांख्य दर्शन के माध्यम से एक दिशा दे रहे हैं। दिशा क्या दे रहे हैं भगवान कपिल, कि परमात्म प्राप्ति का जो दर्शन प्रयास है वो सही नहीं है। परमात्मा तो सामने, जैसे सूर्य सामने है, उसके दर्शन का अगर दर्शन नहीं हो रहा है तो सूर्य का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी आंखों का दोष है। अब यदि हमारे अंतःकरण में एक प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, अब उस प्रकाश के मूल स्रोत को यदि समझना है तो निश्चित रूप से हमारे पास साधन होना चाहिए, आंखें होनी चाहिए। और कहा कि देखो भाई, ये शरीर आपके सामने जो बैठा हुआ है, आपका शरीर, इसको समझने लायक है, इस समय जो ज्ञान हो रहा है, इस समय जो हम आपको ज्ञान हो रहा है कि ये कथा चल रही है, आप सब बैठे हुए हैं, इसमें हमारी आंखें साक्षी हैं, ये गोलक साक्षी है, आपके कान साक्षी हैं कि हम अपने कानों से सुन रहे हैं, डायरेक्ट सुन रहे हैं, किंतु यदि आप सो जाओ तो जो स्वप्न आप देखते हो, आप जरा विचार करना, वो स्वप्न में आपकी ये आंखें होती हैं। एक सज्जन को चश्मा लगा के सोने की आदत थी, तो घरवाली बड़ी नाराज होती थी,
कई बार चश्मा टूट भी जाता था, नींद में हो तो इधर उधर करवट ले तो टूट जाए। तो पत्नी बड़ी नाराज हो कि जब देखो आए दिन तुम चश्मा तोड़ देते हो। महात्मा जी फायदा है पत्नी नहीं तो कोई नाराज होने वाला नहीं, नहीं तो यहाँ तो रोटी में ही नाराजगी होती है, और जिनके घरवालियाँ होती पल पल पर नाराजगी होती है, बिस्तर पर नाराजगी मिले, ज़्यादा देर बाथरूम में रह जाओ तो डांट लगाएंगे, तुम तो दिन भर बाथरूम में घुसे रहते हो, तुम फायदे में हो। तो हमारा चश्मा टूट जाए तो घरवाली डांटने नहीं आएगी, क्यों तोड़ दिया। तो उस घरवाली ने डांटा, बहुत डांटा, और कहा कि ये बात समझ में नहीं आती है कि तुम सोते समय चश्मा लगाते क्यों हो। उसने कहा भावरी तू नहीं समझेगी, अगर सच चश्मा लगा के न सोऊं तो जो स्वप्न आता है ना उसको देखूंगा कैसे, वो साफ साफ दिखता नहीं, धुंधला दिखता है, इसलिए चश्मा लगा के सोते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि स्वप्न देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है, इन चश्मे की जरूरत नहीं है। तो आप जरा विचार करो, जागृत में तो इन आंखों का आप अभिमान कर रहे हो। मैंने एक बार किसी अंधे से पूछा कि तुम्हें स्वप्न आता है कि नहीं, उसने कहा स्वप्न आता है, और जन्मांध था वो। तो हमने कहा जब स्वप्न आता है तो तुमको तो संस्कार है नहीं कि तुमने आज तक तो देखा नहीं कि वृक्ष कैसा होता है, अंधा व्यक्ति क्या जाने प्रकाश कैसा होता है, तो तुम कैसे देखते हो, क्या समझते हो, ये कैसे पहचान होती है। बोले सो तो नहीं पता है किंतु वहां गंगा जी भी दिखती हैं और मैं नक्शा बना सकता हूं गंगा जी का, और पेंसिल ली और बोला जहां मैं बैठा राम झूला पर वो बैठता था जिससे मैंने पूछा था, उसने कहा मुझे जागृत में तो ये नहीं दिखता है किंतु स्वप्न में पूरी गंगा दिखती है। और उस अंधे ने महाराज रेखा खींच खींच करके और बनाया राम झूला, वैसे बनाया जैसे झूला था। तो हमने कहा तूने कैसे देखा राम झूला कि ऐसे झूला बना हुआ है, लकड़ी का है कि लोहे का है कि कैसे रस्सियां बंधी हैं। उसने कहा मैं स्वप्न में देख लेता हूं। तो देखो बाहर की आंखें न होने के बाद भी स्वप्न में देख लेता है। ये तीन प्रकार का अहंकार है जिसकी चर्चा यहां पर की है, तीव्रत्य बुद्ध्यवस्थानो दूरी भूतान्य दर्शनः। ये त्रिप्रद असद बुद्ध्यवस्थानो, ये वैकारिक जो अहंकार है उसके एवं तीव्रद अहंकारो भूतेंद्रिय मनोमय, भूत इंद्री और मन, ये भूत इंद्री और मन इन तीनों के प्रति जो तीव्रत अहंकार है वही इसका दृष्टा बन करके देखता है। अब जरा विचार करो, मन का अहंकार ही स्वप्न में इतनी बड़ी सृष्टि बनता भी है और दिखाता भी है, किंतु ये विज्ञान है, ये समझ लीजिए इसकी स्वयं की अनुभूति है। जागृत में तो ये इंद्रियां चाहिए ज्ञान के लिए, किंतु बिन और स्वप्न अवस्था में इंद्री भी नहीं है, इसलिए कहते हैं किंतु इंद्री के बगैर भी सब भोग भोग जाते हैं कि नहीं भोगे जाते। वहां तो आपके आंख इसी शरीर में है, कान इसी शरीर में है, किंतु वहां भी सब बातें सुनाई पड़ती हैं कि नहीं सुनती। उसने ये वार्ता हुई स्वप्न जागने के बाद हम लोग बता देते, किंतु चलो भाई वहां तक तो ठीक है, किंतु जब आप सुसुप्ति अवस्था में जाते हो जहां स्वप्न भी नहीं होता है, गहरी नींद में वहां न कोई देखने वाला होता है न कुछ दिखने वाला होता है, किंतु वहां एक अनुभूति होती है। अनुभूति क्या होती है, जिस दिन आपको बहुत गहरी नींद आए तो आप सुबह उठ करके बोलोगे आज इतनी गहरी नींद आई कि पता ही नहीं चला कि सुबह 7 कब बज गए, 6 कब बज गए, और नींद में बहुत आनंद आया। आप जरा बताओ इस आनंद का भोक्ता कौन है। इस आनंद का भोक्ता जो है
वही पुरुष है जो इस आनंद का भोक्ता है, और प्रकृति के बगैर भी वह पुरुष आनंद का भोक्ता बन रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है। किंतु भैया ध्यान रखना, इसलिए कहते हैं भूत सूक्ष्मेंद्रिय मनोबुद्ध्यादि दुश्चिन्निद्रया लीले स्वसति यस्तत्र विनिंदो निरहंकृतः। अच्छा, जब तक आप जागृत में हैं तब तक इन इंद्रियों के द्वारा भोग भोग रहे हैं, जब स्वप्न में हैं तो मन के द्वारा भोग भोग रहे हैं, किंतु जब आप सुसुप्ति में हैं तो किसके द्वारा भोग रहे हैं? उसका कोई इंद्री तो है नहीं, कोई मन तो है नहीं। निश्चित रूप से वह जो अहंकार है, वह जो मैं के रूप में है, वही निश्चित रूप से वह इस प्रकार से भाषित हो रहा है। अब ये बात जब इन्होंने बताई तो माँ ने एक प्रश्न कर दिया। माँ ने बहुत आदर से कहा कि हे प्रभो, हे ब्रह्मन, ये चार श्लोकों में माँ का प्रश्न है, बड़े भाव से किया है, और चार श्लोकों में जो प्रश्न किया है वो महाराज करीब 10 श्लोकों में भगवान ने उसका उत्तर दिया है। माँ का प्रश्न देखिए, पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन न विमुंचति कार्यचित अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वाद अनयो प्रभो। हे ब्रह्मन, प्रकृति और पुरुष एक दूसरे को कभी छोड़ सकते नहीं है। क्यों? एक तो अन्योन्याश्रय है, प्रकृति पुरुष के आश्रित है, पुरुष प्रकृति के आश्रित है, और दूसरी बात यह है ये दोनों नित्यत्वाद अनयो प्रभो। अनयो माने ये दोनों, दोनों कौन? प्रकृति और पुरुष। ध्यान रखना भाई, ये सांख्य दर्शन है, वेदांत के दर्शन में इस बात को समझने लायक है। वेदांत दर्शन यह कहता है कि पुरुष और प्रकृति, जिसे माया कहते हैं, दोनों अनादि हैं। प्रकृति का कोई जन्म दिवस नहीं है और परम पुरुष का भी कोई जन्म दिवस नहीं है, दोनों अनादि हैं। अनादि का अभिप्राय कब इनका आदि हुआ था यह पता नहीं चलता है, आप पुराण पढ़ोगे तो इसका विस्तार से पता चलेगा। कोई चर्चा कहते तो बोले अमुक कल्प में ऐसी चर्चा हुई थी, अमुक कल्प की ये लीला है, अब कितने कल्प हैं, कल्प अनंत है। तो ये पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं वेदांत की दृष्टि से, किंतु पुरुष अनादि और अनंत है। पुरुष अनादि और अनंत है, और जो प्रकृति माया है वो अनादि तो है किंतु शांत है। जिस दिन आपको माया का रहस्य पता चल जाएगा उसी दिन माया का अंत हो जाएगा। जब तक व्यक्ति को माया का पता नहीं चलता है, प्रकृति का पता नहीं चलता, तब तक उसका अंत नहीं होता है। किंतु यहां पर तो जो सांख्य दर्शन की प्रणाली है प्रतिपादन की, क्योंकि दर्शन ही अलग है, ये सांख्य दर्शन, वैसे कणाद का सांख्य दर्शन और कपिल का जो सांख्य दर्शन, दोनों अलग अलग है, किंतु वो सह महाराज निरीश्वर, ये सहेश्वर, ये जो सहेश्वर सांख्य दर्शन है इसमें ईश्वर को स्थान है। तो माँ कह रही हैं, माँ की बात समझने लायक है कि अनयो हो नित्यम, दो हेतु बता दिए कि प्रकृति और पुरुष कभी जुदा नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते। एक हेतु तो यह अन्योन्याश्रय है। अच्छा, अन्योन्याश्रय होने के बाद भी अगर एक अनित्य हो तो एक तो रह जाएगा, नित्य वाला तो तब छूट जाएगा। भाई प्रकृति पुरुष साथ साथ भले रहते हो, कितना भी प्रेम करते हो, किंतु सदा तो साथ नहीं रहेंगे, कोई ना कोई तो मर जाएगा।
और जो मर जाएगा तो अपने आप अलग हो जाएगा। तो यदि प्रकृति मरने वाली होती तो निश्चित रूप से पुरुष से अलग हो जाती, तो प्रकृति मरने वाली नहीं है तो अलग नहीं हो सकती, और एक दूसरे के आश्रित रहते हैं, अनुन्याश्रय है दोनों में। कैसे अनुन्याश्रय है, ये दो श्लोकों में महाराज बताते हैं। वैसे एक श्लोक में उदाहरण दे दिया है, यथा गंधस्य भूमिश्च भावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च। यथा गंधस्य भूमिश्च, न्याय दर्शन में पढ़ाया जाता है, तत्र गंधवती पृथ्वी सा नित्या अनित्या च। पृथ्वी गंध वाली है। आपको बताएं, पृथ्वी की पहचान यदि सही ढंग से करना हो तो नासिका से होगी, आंख से नहीं। क्यों? पृथ्वी का जो सहज स्वभाव है वो गंध है। अब जरा विचार करो, गंध और पृथ्वी ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं? यदि गंध नहीं रहेगी तो पृथ्वी नहीं रहेगी, पृथ्वी नहीं रहेगी तो गंध नहीं रहेगी, गंध है तो पृथ्वी है, पृथ्वी है तो गंध है। ये दोनों अनुआश्रय एक दूसरे के आश्रित हैं, गंध और पृथ्वी दोनों आश्रित हैं। और इतना ही नहीं, मरा दूसरा उदाहरण सुन लीजिए, अपाम रसश्च यथा तथा बुद्धे परस्य च। जैसे जल जो है ना, उसका स्वभाव रस है, तरल पदार्थ। अब देखो कितना भी हो, जैसे बर्फ है तो जल, किंतु थोड़ा भी उसको ढीला तो रस बन जाती है, बह जाती है। अच्छा वाष्प है तो जल, बह जाते हैं। ऐसे आप जहां जहां जल है वहां वहां तरलता जरूर है, तरलता के बगैर जल रहता नहीं, जल तत्व रहता नहीं है। वो वैसे ही तथा, यहाँ यथा अपाम रसस्य, महाराज रसस्य च तथा बुद्धि परस्य च। ऐसे ही प्रकृति और पुरुष ये दोनों एक ही हैं। माँ कह रही हैं प्रकृति और पुरुष एक ही हैं, बुद्धे परसस्य च। अकर्तुः कर्म बंधोयम् पुरुषस्य यदाश्रयः। सांख्य शास्त्र भी बहुत अद्भुत है। भगवान से माँ पूछ रही हैं कि अकर्तुः कर्म बंधोयम्, ये जो पुरुष है ये करता कुछ नहीं है, अकर्ता है, किंतु तब भी बंधन में बन जाता है। कर्म कुछ किया नहीं और बंध गया, पुरुष करता नहीं है, करती है प्रकृति। सब कुछ करने वाली प्रकृति है। एक रामायण है पढ़ने लायक है, उसका नाम है अद्भुत रामायण, हमारे पुस्तकालय में है। अद्भुत रामायण में ये वर्णन है कि राम जी ने रावण को नहीं मारा, जानकी ने रावण को मारा है, जानकी ही रावण को मारने वाली है। इतना बड़ा युद्ध भी जानकी ने किया और धनुष भी राम जी ने नहीं तोड़ा, जानकी जी ने तोड़ा। अब जरा विचार करना, देखने में तो ऐसा लगता है, सुनने में भी ऐसा लगता है कि कौन सी रामायण सुनाने लगे। दुनिया में सबको पता है कि राम जी ने धनुष तोड़ा था, दुनिया में सबको पता है कि रावण को राम जी ने मारा था, और ये कौन सी रामायण लेकर के बैठ गए जिसमें कहते जानकी ने मारा था। अगर अध्यात्म का बोध न हो तो कहेंगे बाबा जी का स्क्रू ढीला हो गया है, और ये सब रामायणी तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं ये कौन सी रामायण लेके आ गए। क्यों संतोषाना, कहेंगे ये कहाँ से गड़बड़ है। किंतु जरा ध्यान रखना, राम पुरुष हैं और सियाजू प्रकृति हैं, शक्ति हैं, प्रकृति को ही शक्ति कहते हैं।
प्रकृति को ही माया कहते हैं। तो बिना शक्ति के रावण मरता, बिना शक्ति के धनुष टूटता। भले राम जी अब शक्ति दिखती नहीं है, शक्तिमान दिखता है, पहले की परंपरा थी, आजकल थोड़ा अलग परंपरा हो गई। वो पहले, आजकल तो क्या लेडीज फर्स्ट, पहले पुरुष का ही नाम लिखा जाता था निमंत्रण कार्ड में, अब तो पहले तो शायद देवी जी का नाम लिखा जाता है, सब बदल गया। नहीं तो महाराज न लिखा जाए तो नाराज हो जाए। पहले हमारे वृंदावन की आराधना पद्धति में महाराज जी, ज़्यादा नहीं कई साल वर्ष पहले नहीं, 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले वृंदावन की आराधना शैली में राधा जी की अलग से पूजा नहीं थी। अलग से पूजा होती तो बिहारी जी में भी श्री किशोरी जी का एक प्रतिमा होती कि नहीं होती? राधा रमण में किशोरी जी की प्रतिमा होती कि नहीं होती? राधा वल्लभ में किशोरी जी की, नाम राधा वल्लभ है तो राधा तो होनी चाहिए थी ना। राधा वल्लभ में राधा की, राधा रानी की प्रतिमा है ना, राधा रमण में राधा रानी की प्रतिमा, किस पूरे पुराण ठाकुर में किसी की नहीं, और ना बिहारी जी में। वहां प्रतीक के रूप में श्री किशोरी जी का स्थान रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? वो तो कारण क्या हो गया, ये जब नेता लोग पैदा हो गए ना, तो इन लोगों को लगा कि नेतागिरी चलेगी स्त्रियों से, जैसे आज के नेता लोग शूद्रों के नाम पर नेतागिरी करें, अमुक के नाम पर नेतागिरी करें। अरे भगवान का नाम लिया तो भगवती का नाम आ ही गया, वो कहाँ से अलग हैं। मैं आज विचार कर रहा था, हृदय गदगद हो गया किसी चिंतन धारा में, कैसी अद्भुत परंपरा। हमारे यहाँ नर्मदेश्वर की आराधना होती है, उसी में जानकी हैं, उसी में भगवती माँ पार्वती हैं। शालिग्राम में ही अंदर उसके समाये हुए स्वर्ण लता के रूप में वहां चिन्ह स्वर्ण चिन्ह, उसमें से लक्ष्मी जी हैं। तो शक्ति और शक्तिमान दोनों हैं, शक्तिमान दिखता है किंतु शक्ति नहीं दिखती। आपके अंदर जो शक्ति है कि नहीं है, अगर शक्ति ना हो तो ये फूल भी नहीं उठा पाएंगे हम, किंतु अलग से कोई हमें को कहे कि वो शक्ति दिखाओ, तो अलग से हम शक्ति कैसे दिखाएंगे? अपनी क्रिया से ही शक्ति दिखाएंगे, मुक्का मार के दिखा देंगे, देखो हम इतने शक्तिमानी हैं, अपना बल दिखा के कर देंगे। तो शक्ति शक्तिमान दोनों एक हैं, और दोनों एक एक साथ रहते हैं, अलग नहीं है। किंतु ध्यान दीजिएगा, पुरुषस्य यदाश्रयः, ये पुरुष का ही आश्रय लेकर के प्रकृति रहती है। अब पुरुष करता कुछ नहीं है, करती सब शक्ति है, किंतु गुणेषु सस्सु प्रकृते कैवल्यम तेषु कथम। अब हो क्या गया कि प्रकृति के गुणों में ये ऐसा फंस गया पुरुष कि उसको अपना ही मानने लगा। अब जब अपना मानने लगा तो कैवल्यम तेषु, अतः कथम, अब उसका कैवल्य कैसे होगा? जब इतना तादात्म हो गया तो कैवल्य होने का चांस चला गया। महाराज इन्होंने इतनी सुंदर बात कही, मां कहती प्रभो क्वचित तत्वावमर्शेन प्रमारा निवृत्तम भयमूर्वणम अनिवृत्त निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते क्वचित तत्वावमर्शेन। कभी तत्व के विचार से आप प्रकृति और पुरुष को अलग कर लो, भाई ये शक्ति है ये शक्तिमान है, विचार से करो। किंतु और इस विचार से करने से फायदा क्या होगा? जो भयंकर भय है, भयम उल्बणम, उल्बणम माने भयंकरम, ये भय भयंकर है। भय भयंकर कैसे? एक भय निवृत्त करने जाओ तो दूसरा भय लग जाता है। यहां संसार में निर्भय कुछ चीज नहीं है। आप जरा विचार करो, भोगे रोग भयम कुले
च्युत भयम्। उच्च कुल में हो तो महाराज आपको पतन का भय, आपका नाम हो जाए बहुत समाज में, बहुत प्रतिष्ठित हो जाए तो डर लगता है कि पता नहीं कब कौन खींचातानी कर दे महाराज, कहाँ से कौन दुश्मन पैदा हो जाए। आजकल तो बदनाम करने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगती, पहले तो बदनाम करने में महाराज बहुत कठिन समय हो। आज का जो इलेक्ट्रॉनिक महाराज मीडिया हो गया है, पहले तो किसी को बदनाम करो तो एक शहर में बदनाम कर पाओगे, एक मोहल्ले में बदनाम कर पाओगे, बहुत नाराज हुआ तो गाली देने लगो तो कहो ये दोस्त, तो दो चार लोग इकट्ठे हो जाएंगे और आपकी बदनामी दो चार जगह हो गई। वृंदावन में बदनामी है तो काशी में कोई जानेगा नहीं, और काशी में यदि बदनामी है तो हरिद्वार में कोई नहीं जानेगा, हरिद्वार में यदि ऋषिकेश में हमारी बदनामी हो गई तो वृंदावन में कोई नहीं जानेगा कि ये ऐसी ऐसी घटना घट गई थी। किंतु आज तो महाराज थोड़ी देर में सारी दुनिया जान जाती है। अच्छा, दूसरी बात और भी खतरनाक है, वो तो पहले के समय कोई बदनामी हो तो काल में सब समा जाता था, 10-20 साल महाराज बीते तो कोई किसी की बात जानता भी नहीं था कि 10-20 साल में महाराज मानो कोई बूढ़ों के बीच में घटना घट गई। जो 70 साल के थे अपने उस समय 30 साल के थे, तो जब अपने 70 साल के होंगे तो जिनके बीच में घटना घटी थी वो सब चले गए होंगे और उस समय 70 साल की उम्र में अपने ही हीरो हो जाएंगे, अपनी सब गलतियां छुप गई। किंतु आज के समय छुपने वाली नहीं है, आपने किस सन में कौन सी गलती की थी अगर सोशल मीडिया में पड़ी हो तो सब निकल कर आ जाएंगे। और गलती ना भी की हो, प्रवचन आदि कोई कर रहा हो उसमें कोई बात कभी निकल गई हो, आप महाराज काट छांट करके इधर का उधर वाक्य बना देंगे। एक जी न्यूज में एक आता है प्रोग्राम, उसमें एक सज्जन नेताओं की बातें निकालते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई बात कहीं नेता ने कही होगी उसको उतनी काट के रखते हैं और सामने वाले नेता से उसकी काट करवाते हैं, तो ऐसा लगता है वो बात कब की कि कुछ पता नहीं, अब काट कर एक ही वाक्य दी गई। अब कोई नाराज हो और कहा हो कि ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है, किसी के लिए भी कहा हो ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है, उंगली भी दिखा दी, अब वो क्या करेंगे कि वो व्यक्ति जिसका था वो तो पता नहीं जिसके लिए कहा गया था, और काट करके दूसरा खड़ा कर देंगे, ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है। तो काट छांट करके कहां क्या कर दिया जाए तो कुछ पता नहीं है। तो देखो, नाम वाले को बदनामी का भय है, जीवन वाले को मृत्यु का भय है, निरोगी व्यक्ति को रोग का भय है। ऐसी एक भी वस्तु बता दो जिसमें भय ना हो, सब भय से भरा हुआ संसार है। इसलिए मां कह रही हैं कि महाराज पहले तो कहा कि गुणेश सस्व प्रकृते कैवल्यम तेसो, अतः कथम कैसे कैवल्य हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के आश्रित हैं। और दूसरी बात ये करें, क्वचित तत्वाभिमर्शेन, यदि कभी कैसे तत्व विमर्श में आपके निवृत्ति हो जाए भय की, निवृत्तम भय भयम उल्बणम किंतु अनिवृत्तम निमित्तत्वात्, जो अभी आपसे निवृत्त हुआ है अर्थात जो अभी आपने दुख को हटाया है, किंतु दुख को हटाया तो है किंतु मिटाया नहीं है, ध्यान रखना। कई चीजें इस लोग बात को कई लोग हमको कहते हैं कि जो अंग्रेजी दवा होती है ना महाराज जी, ये रोग को मिटाती नहीं, रोग को छुपाती है, रोग को छुपा देती, दबा देती है, रोग को मिटाती नहीं। तो मानो ये सत्संग आदि के द्वारा जो आपने किया तो बुद्धि के बल पर आपने क्या किया कि इस समय दुख की निवृत्ति कर दी, दिखाई नहीं पड़ रहा है, किंतु जहां असावधान हुए, क्योंकि वह निमित्त अभी बचा हुआ है अर्थात जिसके कारण ये भय था वो कारण तो अभी बचा हुआ है, और यदि कारण बचा हुआ है तो तत्व पुनः प्रत्युवतिष्ठते, आप पुनः महाराज इसके विचार करने से जाएगा तो कब तक, अर्थात ये दोनों अलग होने वाले नहीं है, कैसे दुख दूर होगा। तो भगवान बड़ा सुंदर, महाराज इसमें ऐसी संगति है, आज तो हम श्लोकों को देख रहे थे गदगद हो रहे थे, अद्भुत रचना है वेदव्यास जी महाराज की। इन्होंने अनिवृत्त निमित्तत्वात्
यहां छोड़ा था और यहीं से भगवान चालू करते हैं। अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण मलात्मना तीव्रेण मई भक्त्या च सुत संभृतया चिरम। भगवान ने कहा कि अनिमित्त निमित्तेन, अनिमित्त निमित्तेन, जिसका निमित्त निमित्त के द्वारा जो अनिमित्त है अर्थात जो है ही नहीं, उसको मिटाने का साधन क्या है? बोले स्वधर्मेण, स्वधर्म है। और वो स्वधर्म का पालन ध्यान रखना निष्काम भाव से किया जाए। तो भगवान ने इस प्रकृति के दुख से छूटने के लिए, उलबन भय से मुक्त होने के लिए कुछ साधन बताए हैं, जिसकी साधन की चर्चा अब हम कल करेंगे। बहुत दिव्य ये साधन प्रणाली है। लगभग सबको ये रोग है, इस रोग से निवृत्त होने के लिए जो औषधि वैद गुरु कपिल भगवान दे रहे हैं, उसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के पावन चरणों में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।